नमस्कार दोस्तों, आज की उदयपुर यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं आज उदयपुर यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से आप आकर किस तरह से हर एक चीज़ को बारीक से घूम सकते हैं। उदयपुर यात्रा के बारे में हम आपको आज बताएंगे कब कैसे और किस तरह से घूमें, कौन कौन से जो प्रमुख स्थल है उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं उदयपुर यात्रा के बारे में आज। दोस्तों हैप्पी दीपावली, इस दीपावली सीज़न पे सभी के हॉलीडे हो चुके हैं, अभी आप भी घूमने के मन बना रहे होंगे तो आप भी उदयपुर आ सकते हैं। दोस्तों बात करें उदयपुर यात्रा, राजस्थान के दर्शनीय स्थलों में से धोनियों से जिलों में से एक है। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। दोस्तों प्रमुख जिलों और विविध परिदृश्य, शहर के हर नुक्कड़ पर हर स्थल झील को आप निहार सकते हैं। दोस्तों उदयपुर आपको एक मंत्र मुग्ध कर देगा, बहुत ही अच्छा स्थल है उदयपुर घूमने के लिए। जिलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप किस तरह से प्लान बना के, आप अगर आपके पास समय है दो दिन का, हफ्ते का, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा किस तरह से आप उदयपुर घूम सकते हैं दो दिन के अंदर। दोस्तों प्रमुख 8-10 स्थल है जो बहुत ही फेमस और अच्छे और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। दोस्तों वास्तुशिल्प से भरपूर महलों, धार्मिक मंदिरों, ऐतिहासिक हवेलियों, स्वादिष्ट भोजन और नाव की सवारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी उदयपुर की यात्रा को यादगार बनाने में मदद करेगी। दोस्तों उदयपुर यात्रा ब्लॉग में आपको साथ अपनी उदयपुर यात्रा में घूमे हर 10 स्थानों की जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एक आदर्श उदयपुर की दो दिवसीय यात्रा का कार्यक्रम भी बताऊँगा आपको मैं। दोस्तों उदयपुर यात्रा आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आज हम आपसे हर एक चीज़ शेयर करेंगे। दोस्तों जो आपके सामने जो परिदृश्य है वो है सिटी पैलेस उदयपुर का, सिटी पैलेस उदयपुर प्लस बोट राइड जो कि जगमंदिर बोट राइड होती है। दोस्तों आप भी यहाँ पे आके बोट राइड कर सकते हैं, उदयपुर यात्रा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बता दें कि किस तरह से आज, दोस्तों उदयपुर यात्रा में 10 जो स्थानीय है जो आपके सामने शेयर करूंगा। उदयपुर भारतीय राज्य राजस्थान में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह में से एक है। दोस्तों शहर में बहुत कुछ है, अद्भुत सांस्कृतिक स्थल, मज़ेदार खरीदारी अनुभव और स्वादिष्ट भोजन भी यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आपके पास उदयपुर में दो दिन है तो मैं आपको झील, शहर के बारे में सभी रोमांचक चीज़ों का अनुभव करने का सुझाव दूंगा। दोस्तों जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे स्थल है जो आपके सामने शेयर करूँगा। आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप उसको घूम सकते हैं, टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, किस तरह से उनका टाइम के हिसाब से आप घूम सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिटी पैलेस आप कर लेना, सबसे पहले सिटी पैलेस जो कि शाही राजपूतों की भव्यता का अनुभव करें। महाराणा प्रताप का पैलेस है, महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वारा निर्मित, ये उदयपुर नामी महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह जी के नाम से पड़ा है। दोस्तों बागौर की हवेली है जो कि एक अद्भुत राजस्थानी सांस्कृतिक प्रदर्शन आनंद ले, वहाँ पर कठपुतली हर एक बागौर के बारे में जो शो होता है फोक डांस, उसके बाद पिछुला झील है जहाँ पे नाव की सवारी करें, नाव की सवारी के साथ साथ अमरे घाट, लाल घाट, खंगो घाट का प्रदेश करें, उसके बाद फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील के नाम कुछ स्वादिष्ट भोजनों का ठेले लगे हुए हैं, वहाँ पे भी आप अपना ले सकते हैं। उसके सज्जनगढ़ या मानसून पैलेस जो कि ऊपर से उदयपुर शहर के पूरा दृश्य दिखता है, अच्छा सनसेट होता है, सज्जनगढ़ को मानसून पैलेस बोलते हैं। उसको बात करें जगदीश मंदिर की, इस खूबसूरत समय से बने मंदिर में देवत्व को महसूस करें, भगवान के दर्शन करें जगन्नाथ के। दोस्तों शिल्प ग्राम की बात करेंगे जो ग्रामीण राजस्थान का अनुभव है, जहाँ पे ग्रामीण किस तरह जीवन यापन करते हैं, किस तरह से ग्रामीण मेले लगते हैं, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है शिल्प ग्राम में। उसके बाद सैलो की बाड़ी, इस सुंदर ऐतिहासिक बगीचे की चारों तरफ उठैले अनुभव ले, किस तरह से यहाँ पे अच्छा महसूस करें सैलो की बाड़ी। दोस्तों सैलो की बाड़ी के बाद आएगा हाथीपुर बाज़ार जो कि राजस्थान में वस्तुओं को कपड़ों से लेके शिल्प ग्राम से लेकर हथ करके से हर चीज़ में आपको अनुभव होगा, आके शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे खरीदे कर सकते हैं हर तरह से। सुखार सर्किल स्ट्रीट फूड है वहाँ पे जो हर चीज़ लजीज व्यंजनों से पानी पूरी से लगा के दही पूरी से हर चीज़ एक आपको हर एक व्यंजन आपको देखना और टेस्ट करना चाहिए कि उदयपुर शहर है, फेमस शहरों में से एक शहर है। दोस्तों जिलों की नगरी उदयपुर को यूं नहीं कहा जाता है, यहाँ पे हर एक चीज़ देखने लायक है। दोस्तों आपके पास समय है तो मैंने जो 8-10 चीज़ें बताई हैं उनको आप देख लेना,
तो इनको हम बताऊंगा दोस्तों विस्तार से किस तरह से आपको घूमना है। तो ये बात करने वाले हैं उदयपुर में पहुँचने से आपको पास किस तरह से पहुँचना है उदयपुर। दोस्तों अगर उदयपुर आ गए तो वेलकम, अगर नहीं आए तो भी वेलकम। दोस्तों एक यात्रा गतिविधि के रूप में उदयपुर भारत के सभी प्रमुख शहरों और यहाँ तक कि बाहर से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अपने उदयपुर की दो दिवसीय यात्रा के लिए आप तीन तरह से आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ उदयपुर पहुँचना है तो तीन रास्ते हैं, हवाई रास्ता, ट्रेन से और एक सड़क से। दोस्तों ट्रेन से आगे उदयपुर रेलगाड़ी द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सामान्य ट्रेनों के अलावा आप शानदार पैलेस जोन, उसे एक ट्रेन चलती है पैलेस ऑन व्हील्स, उसमें भी आप सवारी कर सकते हैं, जो कि पूरा रॉयल राजपूताना और राजा महाराजा की ट्रेन थी, उसमें पूरा आप अनुभव करेंगे। जो कि ट्रेन माध्यम से जयपुर से नई दिल्ली से लगभग 7 से 8 घंटे आती है। हवाई जहाज से बाहर भी आ सकते हैं आप। उदयपुर का अपना घरेलू हवाई अड्डा है जो कि लगभग सभी प्रमुख भारतीय एयरलाइनें से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स की मैंने बात की थी, जो कि जयपुर से दिल्ली से आगरा होते हुए उदयपुर आती है, जो कि हफ्ते में हर सैटरडे शनिवार को यहाँ पे पहुँचती हैं, तो आप भी उसमें आ सकते हैं। दोस्तों उदयपुर दर्शन पर जाने के लिए जो शीर्ष स्थान है, जो अच्छे स्थल है, मैं उसके बारे में विस्तार से बात करूँगा। यदि आपके पास समय कम से कम 48 घंटे होने चाहिए दोस्तों, तो आप उदयपुर के लिए झील शहर है सबसे बेस्ट है। दोस्तों बात करें सिटी पैलेस के बारे में, दोस्तों सिटी पैलेस पिछड़ा झील के तट पर स्थित है और इसे आपके दूर यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें। इसमें दोस्तों महल में कई कमरे हॉल है जो कलाकृतियों के लिए भरे हैं। आप इसे संबंध में मदद करने के लिए एक गाइड किराए पे आप ले सकते हैं। दोस्तों गाइड भी अवेलेबल है, ऑडियो गाइड भी अवेलेबल है। दोस्तों एक ऑडियो गाइड प्रति व्यक्ति 200 रुपये खर्च होंगे, जबकि समूह भाषा के लिए आगे आधार पर एक गाइड की लगभग 500 रुपये होती चार्ज, जो आपको 4 पैक्स होंगे तो 500 रुपये लगभग चार्ज लेते हैं। इसलिए यदि आपके पास अकेले यात्रा कर रहे हैं तो ऑडियो गाइड एक अच्छा विकल्प है, अच्छा बेस्ट है कि ऑडियो गाइड ले 200 रुपये में पूरा सिटी पैलेस आप घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात है एंट्री की, तो दोस्तों एक वयस्क की एंट्री होती है 30 रुपये, बच्चे की एंट्री 15 रुपये है, जो कि प्रवेश एंट्री है, प्रवेश शुल्क है। अगर आपको म्यूजियम देखना है, म्यूजियम में एंट्री करनी है, तो दोस्तों उसके लिए 400 रुपये टिकट होता है, पर पर्सन 430 रुपये पड़ेगा आपको। दोस्तों सिटी पैलेस लगभग 400 वर्षों की अवधि में बनाया गया था, जो 1553 में शुरू हुआ था। प्रेस के अंदर कई महल हैं। दोस्तों बात करेंगे आप, दोस्तों सिटी पैलेस में आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं, क्रिस्टल गैलरी, म्यूजियम के अलावा फास्ट फूड, दाल बाटी, रेस्टोरेंट भी इसमें है, तो आप यहाँ पे पूरा घूमने का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों सुबह बोट राइड करें, बोट राइड 500 रुपीज़ टिकट है बोट राइड का, क्रिस्टल गैलरी का 500 रुपीज़। दोस्तों ये पूरा पैलेस आप देख सकते हैं जो सिटी पैलेस है। दोस्तों इतिहास की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 400 वर्ष की अवधि में बना हुआ था, जो 1553 में शुरू हुआ था। लगभग परिसर के अंदर कई महल है। ये दुश्मन के अचानक हमलों में से बचने के लिए जिग जैग कॉरिडोर के साथ कई चीज़ों का माध्यम से जुड़े हुए। दोस्तों अब बात करें पिछोला झील के बारे में, ये उदयपुर की 5 प्रसिद्ध झीलों में से एक है। आपकी उदयपुर यात्रा में जरूरी है कि पिछोला की नाव की सवारी करें। नाव की सवारी पास के प्रसिद्ध होटलों उदयविलास, लीला, ओबराय, अमरेघाट, लालघाट का सैर करें। नाव की सवारी के लिए 2 विकल्प हैं, एक सरकार की नगरपालिका की है और एक है दूसरी है सिटी पैलेस की। दोस्तों दो यहाँ पर बॉर्डर होती है, एक होती है गवर्नमेंट बार होती है दूतलई से, वो एक होती है अपने सिटी पैलेस की। जो सिटी पैलेस की नाम है जो आपको जगमंदिर जाकर ड्रॉप करेगी, वहाँ पे आप फोटोग्राफ कर सकते हैं, अच्छा है। उसके दोस्तों बात करें फतेहसागर झील की बात करेंगे, कोई भी उद्योग आता है कि फतेहसागर झील की आता इसके बिना आपका आता अधूरी है। स्वाति सुबह से दौरान यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलता है। लोग अपने मॉर्निंग वॉक, जॉक्स, साइकिल राइड्स, एक्सरसाइज, झील में तैराकी हर तरह से यहाँ पे। उसके अलावा झील के सामने बेंच है, इसलिए यदि आप घूमने के मूड में नहीं है तो आप सुबह की शांति और पक्षियों के लिए चेकने आनंद ले सकते हैं और सूर्य को धीरे झील पर पहुँचते देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अच्छा है, यहाँ पे बोट राइड भी होती है, कूल्स घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, हर तरह से ये बेस्ट है। फतेहसागर झील बहुत अच्छा स्थान है। उसके बाद मानसू पैलेस सज्जनगढ़ जो टॉप पर रहे पहाड़ी की छोटी स्थित है। मानसू पैलेस उदयपुर शहर इसकी झीलों महलों का मनोरम दृश्य है। इसे मानसू पैलेस महल कहा जाता है क्योंकि इसे मानसून के बाद बादलों को देखने के लिए अच्छा है। किले तक पहुँचने के लिए आप केबल कार या बेंच के पास उपलब्ध जीपों से, ऑटो से जा सकते हैं, पर्सनल गाड़ी भी जा सकते हैं ऊपर। लगभग कीमत 90 रुपीज़ है जीप की, ये आपको वहाँ ले जाएंगे। दोस्तों मुख्य आकर्षण है वहाँ वास्तुकला, इतिहास, सर दृश्य, सूर्यास्त और समय है सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। प्रवेश शुल्क की बात करें दोस्तों, वाहन शुल्क को छोड़कर भारतीय के 60 रुपये, विदेशी के 300 रुपये। यहाँ कितना समय लगेगा तो दोस्तों समय की बात करें आप तो 1 घंटा में मानो आप घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ से सिटी पैलेस का पूरा दृश्य दिखेगा, सिटी पैलेस से सज्जनगढ़ 500 पैलेस से पूरा दृश्य आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। दोस्तों ये रही
अब आएंगे जगदीश मंदिर की बात करें दोस्तों, स्वर्ग मध्य स्थित है दोस्तों, 79 फीट से ऊँचे मंदिर में तीन मंजिलें हैं, वो स्वर्ग शिक्षित में जिसे देखा जाते हैं। मंदिर 1691 में संगमरमर से बनाया गया था और मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति के अलावा चारों कोणों में चार मंदिर भी हैं, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, ये कुछ अवेलेबल है। शिल्पग्राम की अगर बात करें दोस्तों, तो शिल्पग्राम एक गांव की तरह बनाया गया शिल्प परिसर है। इस परिसर में ग्राम जीवन, संस्कृति, दर्शनों वाला एक बड़ा क्षेत्र है। यह ग्रामीण राजस्थान के जीवन का अनुभव करने के लिए भी एक शानदार जगह है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान की प्राचीन कला और शिल्प के बारे में जागरूक ज्ञान बढ़ाने के लिए आप इस जगह पर जाइए और शिल्पग्राम ग्रामीण और शहरी कला को एक साथ आने और शिविरों और कार्यशालाओं की प्रक्रिया के साथ से बातचीत करने का एक तरीका भी आप सीख सकते हैं वहाँ पर सर। अब आते हैं सेलोईबाड़ी, लास्ट पॉइंट है सेलोईबाड़ी। उदयपुर में से लोकप्रिय केंद्र में स्थित उद्यान है। यह बगीचा महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी पत्नी और उनकी 48 नौकरानियों के लिए बनाया था। बगीचे में हरे लोन, पानी के फूल, संगमरमर की कलाकृति, फवारे, फूलों के सुगंध, इतिहास प्रेमियों के लिए एक छोटा सा संग्रह है जिसमें कुछ सुंदर और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह है दोस्तों। यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं, इत्मीनान से चलता है, वो कलाकृति हैं दोस्तों, अच्छी कलाकारी, अच्छा देख सकते हैं आप दोस्तों। यह मुख्य पार्ट, उसके बाद दोस्तों बात, दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।